आज का मुख्य अतिथि नीतू जी, स्वाति जी, हमारे संस्थान के निदेशक महोदय और हजार जी और मेरे साथ हम लोग हिंदी पखवाड़ा को 15 तारीख से 29 तारीख तक 28 तारीख तक मना लिए और आज अक्टूबर दिन में आज हम लोग इसका मतलब सर्टिफिकेट वितरण ये सब करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बहुत अच्छा रहा, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिए, वाक प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता सब में सब लोग भाग लिए और ऑफिस का स्वच्छता अभियान भी कार्यालय के भीतर बाहर सब लोगों ने सफाई भी सब लोग मिलकर किए हैं, बहुत अच्छा रहा। और ये है कि हिंदी जो है, सही बोले आपने स्वाति जी, जो नॉन हिंदी भाषी वाली है उन लोगों पर हिंदी को बोलना ही पड़ेगा, हिंदी ही हमारा भाषा है, भारत की भाषा है, इस तरह से हम लोग ठोक नहीं सकते, ठीक है। ये ऑफिशियल भाषा है, ऑफिशियल ऑफिस में जो कार्य करने के लिए ये भाषा है, इसीलिए हिंदी में काम करने पर आसान भी है, बहुत अच्छा है। आजकल इस तरह से टाइप करने के लिए भी जो आता है कंप्यूटर में ऐसे सिस्टम कि आप अंग्रेजी में भी टाइप करते हैं, जैसे कि हम लोग हिंदी भाषा वाली नहीं है तो उसका स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा करके बहुत ये होने लगते हैं, मतलब स्पेलिंग कैसा होगा, क्या होगा, हर सही दिख गई जिंदगी में तो पढ़े नहीं, क्लास एट तक आ ई आ ई ये सब जो है क ख, क्लास एट तक एक किताब पढ़े थे, उसके बाद से कुछ नहीं, हिंदी भाषी वाली बिल्कुल नहीं है, खासकर नोट इसका तो बहुत मुश्किल होता है। तो अभी इतना आसान है, मैं 100% हिंदी में काम करना शुरू की है, पहले से करते आई हूँ लेकिन आजकल तो पूरा 100% मैं करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है, आसान है। और टाइप भी जो कंप्यूटर में सिस्टम में जो करते हैं अंग्रेज़ी में कीजिए, इस तरह से हिंदी में आ जाता है, दो तीन स्पेलिंग आता है तो हम लोगों को उससे सीखने को भी मिल रहा है और अच्छा काम भी हो रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड सिस्टम, तो बहुत अच्छा है, हिंदी में काम कीजिए। हिंदी में तो सुबह से शाम तक रात तक हिंदी तो बोलते ही हैं, साथ साथ काम करने का भी इसमें मौका मिल रहा है, भारत सरकार के ऑफिस में तो काम करना ही है। और ये पहले साउथ इंडिया के कोई भी भारत सरकार के ऑफिस में बहुत मुश्किल से ये काम होता था, और हिंदी दिवस मनाए चाहे नहीं मनाए, बहुत मुश्किल से एक दिन का ये लोग ऐसे करता था, नॉन हिंदी भाषी हिंदी भाषी वाले के अलग अलग प्रतियोगिताएँ रखा करते थे साउथ इंडिया में भी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में भी इस तरह से होता था। तो अभी तो ये लोग भी मनाते हैं, उसके बाद काम भी हिंदी में करते हैं, पहले जैसा नहीं है, हिंदी बहुत विस्तार से एकदम स्प्रेड किया हुआ है ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन वर्ल्ड में भी ये बहुत फैल गया है और बहुत लोगों की बोली भाषा भी है ये, इसीलिए जो हम लोग जो हिंदी पखवाड़ा मनाए हैं ये एक त्यौहार के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, इतना ही।